अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? ये लोग खैरियत से होंगे। तो यार काफ़ी दिन हो गए हैं और मैंने आपका कोई भी ब्लॉग शेयर नहीं किया। इसकी दो वजह, पहले तो ये कि मैं बीमार हो गया था और मुझे डेंगू हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी बेहतर हूँ। और मुश्तबा को भी डेंगू हुआ था और वो भी अब काफ़ी ठीक है। और दूसरी वजह ये कि मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे थे, जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था ब्लॉग बनाने का। लेकिन अब इंशाल्लाह आप खैर यार रोज़ाना ब्लॉग शेयर किया करेंगे। और पहले तो आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ, हमारे पास आई है न्यू छोटी आवाम। और ये हमारी रंगीली के जो जितने भी एग्स थे उनमें से ये बच्चे निकले हैं इनक्यूबेटर में से। और यार काफ़ी क्यूट बच्चे निकले हैं यार। और अब काफ़ी अभी भी एग्स पड़े हैं इनक्यूबेटर में और इंशाल्लाह उनमें से जल्दी बच्चे निकल आएंगे। और इनको मैंने अभी यहाँ पर बंद किया हुआ है इस केज में, और ये दिन को यहाँ पर होते हैं। और अभी देखिए काफ़ी डरे हुए हैं और वहाँ से सारे बीच जाके छुपे हुए हैं, मुझसे आ ही नहीं रहे बिल्कुल पास। और रात को फिर मैं सबको इनको अंदर केज में बंद कर देता हूँ। और हमने काफ़ी फैंसी के अंडे भी रखे थे इनक्यूबेटर में, और उसके भी यार ये देखिए माशाल्लाह से छोटे क्यूट क्यूट बेबी आए हैं। और मैंने इसको इस बड़े चूज़े के साथ, ये बड़ी चूज़ा है और इसके साथ बंद किया हुआ है, और इसने इन सबको संभाला हुआ है। और पूरे दिन ये सारे जितने भी बेबी हैं सारे इसके साथ होते हैं। इधर आओ यार, आपको एक पकड़ के दिखाता हूँ। ये देखिए इसमें छोट आ गई, ये देखो ना बाहर देखना, ये बाहर ना निकला है, पास ही नहीं दे रही है ये तो। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ओए इधर आ जाओ चलाक। ये देखे ना माशाल्लाह से यार कितना क्यूट है ये। बस जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ तुम भी। अच्छा चलो जाओ जाओ। और मुर्गी जो है इनकी, जो पहले इनके साथ होती थी, वो तो अभी मैंने बाहर खोली हुई है। और साथ इसके बाकी दो बड़े चूजे हैं, वो देखे वो तो वहाँ सामने घूम रहे हैं। और अब इनको कोई डर नहीं है इतना, क्योंकि इतना कावा वगैरह कुछ नहीं कहता। और मुश्तबा आओ ना ज़रा डस्ट खोलते हैं यार अभी, के पूरे दिन तो वो केज में होते हैं बेचारे, रात को अंदर चले जाते हैं। उनको अभी खोल दूँ और जब पास मौजूद होता हूँ तभी खोलना पड़ता है उनको, वरना फिर कभी का डर होता है कि उनको उठा के ले जाएगा। चलो चलो आ जाओ, ये आ गई सारी फौज। डक्स को मैंने इकट्ठा रखा है और जो फैंसी के बच्चे थे वो मैंने वहाँ पर रखी हुई हैं उस केज में सामने चूजे के साथ बड़े। ये आ गए हैं, अभी कई सही खुश होंगे। वो सामने पानी पड़ा हुआ है या मुझे लगता है वहाँ जाएंगे उसमें नहाने के लिए। हाँ वहीं जा रहे हैं ये तो। और यार ये मारे ना गिनी फाउल, इनका पता नहीं है ये बहुत शरारती हैं। जब आप पीछे करना है देखना है इनको, ये ना मारना शुरू कर दे। हाँ जग गए तो पानी की तरह, वो एक तो चला भी गया अंदर। कोई भाग ही गए हैं या पता नहीं किधर जाना चाह रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही। बड़ी डक भी यहाँ पे नहीं है वरना वो क्या अपना इनको साथ लेके घूमती। ये सारे हमारे रंगीली के बच्चे हैं, सारे रंगीली गैप से निकले हैं ये। और हाल कब काफ़ी बेहतर हो गया पहले से, अब जो पहले ये शरारती था ना वैसा नहीं रहा, अब काफ़ी शरीफ हो गया, अब किसी को नहीं इतना मार रही है। शमीरा फिर भी वहीं पर चढ़ा हुआ डर के। और मोर पता नहीं नज़र नहीं आ रहा, मोर तो वैसे यहाँ पे बैठा होता है पक्का, लेकिन वो अभी पता नहीं किधर है। डक भी नज़र नहीं आ रही, वो भी मुझे लगता है बाहर होंगी। और ये कौन जैसे अकेले की घूम रही है, इसका पार्टनर पता नहीं किधर है यार। ये अकेले बेचारी घूम रही है, परेशान हो रही है कि मेरा पार्टनर किधर गया है, और वो कहीं बाहर होगा यहाँ से। ये जो यार हमारी न्यू डक आई थी ना यार, ये अभी तक बेचारी सेट नहीं हो रही, पता नहीं क्यों यार इसकी बिल्कुल भी बनती नहीं है बाकी डक्स के साथ। बाकी डक्स वहाँ कहीं घूम रही होंगी, और ये देखेंगे यहाँ पे अकेली घूम रही है। हाँ वो सामने सारी डक्स घूम रही है, और मोर भी ये घूम रहा है बीच में। हाँ ये तुम्हारे वाले, तुम इनको देखो ज़रा, मैं बाकी पेट्स को देख के आऊँ वो क्या कह रहे हैं। हाँ जी क्या हाल है तुम्हारा, ठीक हो? ये तो आ गया। अच्छा क्यों डर रही हो? और वो अभी आ रही है दोनों पास। अब इसके बाद इतने दिन हो गए, हमने वैसे जैसे पहले छुटके नहीं बनाई, और लेकिन फिर भी ठीक है यार। पहले से पहले तो बहुत इसके वो रफ़ रफ़ से हो जाते थे और ख़राब हो जाते थे, लेकिन अभी ठीक है। और लाडली और रानी का क्या हाल है, तुम भी ठीक हो? हाँ कह रही हैं ठीक है।
काटती क्यों है यार? अच्छा लाट खा रही है वह, के तुम पता नहीं मुंह में हाथ डालती रहती। ओए ये देखे ना जरा, ये तो काट भी रही है अब, इसको क्या हुआ वह पता नहीं। और बाकी सारे यहाँ पे घुसे हुए खा पी रहे हैं डस्टों में। और वो देखें यार कूंज वहां पे अकेली, एक कूंज इतने दूर गई हुई है वो देखें। वैसे यार लग ही नहीं होती अपने पार्टनर से, और आज पता नहीं क्यों इतना इनकी बनी नहीं थी, बिल्कुल अलग गई हुई है वहां पे। और पिजेंस के भी यार काफ़ी बेबी आए हुए हैं इस केज में, मैं आपको दिखाता हूँ। ठहरे, आज मैंने इनको बंद किया, बिल्कुल खोला ही नहीं है यार ये बाहर। ये तो बेबी यहाँ पे आए हुए हैं, और माशाल्लाह से यार काफ़ी बड़े हो गए हैं, ब्लैक ब्लैक, ये तो वाइट है। ओए ये यहाँ पे भी दो बेबीज आए हुए हैं, ये देखा, ये तो डर के भाग ही गए। दो बेबीज माशाल्लाह से यार काफ़ी बड़े हो गए, लेकिन अभी तक बाकी इन्होंने एक्सीजन शुरू नहीं किए, फिर भी ये बाहर आ जाएंगे जल्दी मुझे लगता है अब। और इससे भी दिए हुए होंगे, ये नहीं उठने वाली यार, ये बहुत शरारती है, ये मारती है पता नहीं क्यों। और ये वाला जो हमारा बेबी है ये तो यार काफ़ी बड़ा हो गया, सो रहा है, उठ जा। ओए उठो यार, अरे मार ही है, लेकिन उठ जाओ आ जाओ बाहर आ जाओ थोड़ी थोड़ी देर के लिए। ये इसका यार ये कितना छोटा सा बेबी है, अभी अभी निकला है ये, तो थोड़ा सा ही दिन हुए हैं, और ये तो अभी नहीं उठ रही थी, वरना ही उठ जाती, इसको बचा रही थी। और यहाँ पे भी बेबीज आए हुए हैं, ये भी नहीं उठती यार, ये भी मारती है। और इसके मुझे नीचे नज़र आ रहे हैं दो बेबीज आए हुए हैं ना, दो बेबीज लग रहे हैं मुझे नीचे इसके। चलो यार इसको नहीं उठाते हैं, फिर तंग होएगी बेचारी। ओए ओए यार सारे उड़ने लग पड़े मेरे सारे के ऊपर, ये पक्का सारे अब यहाँ पे सही खुश होते हैं। ये मैंने सही काम कर दिया इनके लिए, क्योंकि पहले जो झूला लगा हुआ था वो हिलता रहता था, और ये उसके खुश नहीं होते थे, हिलता रहता था। अब ये स्टिल है, ये स्टिक लगी हुई है और इस पर ये खुश है बैठे हुए। आ गया डक साइन पर, यहाँ पे कीचड़ पे खेलने के लिए, यहाँ से कीचड़ बना हुआ होता है और ये यहीं पे हमेशा होती हैं, यहीं पे खेलती रहती हैं पक्का। उसको भी यार दूसरी डक दोस्त बना लो, जो नई डक आई हुई है उसको ये बिल्कुल भी साथ नहीं रखती और मार के भगा देती हैं पास से। वो देखे वो बेचारी वहाँ पे घूम रही है वो अकेली। बाकी यहाँ पे जैक का हाल भी देख लें, टॉमी पक्का यहाँ पे रहता है जैक के पास, जैक के साथ सही दोस्ती बनी हुई है इसकी। और जैक पता नहीं क्यों यार मेरे पे, ओए क्या हुआ है, क्या हुआ है इसको पता नहीं यार क्या हो गया, मैं पास आता गया हूँ तो ये टॉमी को देख क्या कह रहा है पता नहीं, शायद ना करो जैक, जैक बस बैठो यार, हाँ बैठ गया। टॉमी ने पता नहीं क्या बिल्ली देख ली है और वो भी शुरू हो गया वहाँ पे, इसका हाल वाल देखने आया था, ये तो शोर ही करने लग पड़ा है मेरे पे। चलो जा रहा हूँ। चलो यार अभी शाम का वक्त हो रहा है और अभी सबको बंद भी करना होगा हमने, तो पहले इनसे शुरू करते हैं क्योंकि ये तंग करेंगे मुझे लगता है। अभी इनको बाहर तो ले हैं अंदर, अब ये अल्लाह करे, चलो ये पहले केज बंद करते हैं, बाद में इनको अंदर हम शिफ्ट कर देंगे फिर। और सबसे ज़्यादा तंग करती हैं ना ये करती हैं यार, ये बहुत तंग करती हैं, ये जाती ही नहीं है यहाँ से। अभी मैं इनको लेके जाऊँगा तो कभी वहाँ सामने दीवार पे चढ़ेंगी और पीछे भाग जाएंगी और फिर छत पे चढ़ जाएंगी, कभी ऐसे करेंगी, बहुत तंग करती हैं ये। मैं पकड़ो यार फिर एक एक करके तुम अब सबको, चलते दो दो पकड़ते जाओ, जल्दी जल्दी बंद करो ये, वरना अभी भागती रहेंगी और मिलेंगी नहीं हमें फिर, उसके बाद अंधेरा हो रहा है अभी, जल्दी जल्दी बंद करो। हेलो तुम कहाँ चढ़े हुए हो, नीचे उतरो जी, चलो चलो अभी अंदर केज में जाना है तुमने भी। वैसे तो ये रात को खुले होते थे लेकिन अभी मैं इनको बंद करता हूँ रात को, क्योंकि काफ़ी सर्दी होती है और ये बीमार ना हो जाए फिर। ओए उधर नहीं, उधर नहीं, उधर 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 पीछे पीछे वापस यार, तो समझ कुछ नहीं आ रही, नीचे उतरो यार। ओए यहाँ से छलांग मारी है वहाँ पे चला गया यार, उधर चलो ना, कहाँ जा रही है, दिल नहीं है जाने का अभी भी इनका मुझे लगता है। मोर भी आ गया मुझसे बाहर, मौत को लेके आ गए, इसको भी बंद करते हैं अंदर। अभी यार सबको कहते हैं एक एक करके हम बंद, और गिनी फॉल तो बहुत तंग करने वाली है, वो मुझे मुझसे बाहर को बताया कि हम इसको कैसे बंद करेंगे अभी।
तो आज का व्लॉग यहाँ पे करते हैं एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।